हे गाइस, किसी भी चीज सीखने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि आप अपने आप से पूछोगे मैं क्यों पढ़ूं जबकि मैं नेटफ्लिक्स भी देख सकता हूं। इस क्यों का जवाब हमेशा आपके पास होना चाहिए अगर आपने बिल्कुल जर्मन सीखने का फैसला कर लिया है। मैं आपको आज ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका जर्मन सीखने का इरादा बढ़ सकता है। पूछो कैसे? पूछ लिया? पक्का? जर्मनी और उसके अलग अलग पहलू के बारे में कितना सब है बताने के लिए। शायद शुरू में ये सारी चीज़ें जर्मन भाषा में आपको समझ में नहीं आएंगी। कोई बात नहीं, फिर इंग्लिश में देख लो या फिर हिंदी में। जरूरी ये है कि आप जर्मनी और जर्मन में अपने संबंध और दिलचस्पी बढ़ाओ। तो ये है हमारे टॉप 10 टिप्स। नंबर 1, अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आप मॉडर्न म्यूजिक को देख सकते हो या फिर क्लासिकल म्यूजिक। मॉडर्न रॉक या फिर पॉप म्यूजिक में है सेवन आई डू, टिम बेंस्को, सिल्वर मोंट, मार्क फॉर्स्टर, स्पॉट फॉन्ड स्टिला या फिर रामस्टाइन, अगर बहुत हार्ड म्यूजिक आपको पसंद है। या फिर आप क्लासिकल म्यूजिक को भी देख सकते हो जैसे मोजार्ट, बीथोवन, बाख। नंबर 2 है अगर आपको कबूतर, भाई साहब कितना बड़ा कबूतर था या भैंस। हमारा नंबर 2 है हिस्ट्री, आप देख सकते हो मिडल एजेस के इतिहास में या फिर आप उस पीरियड को देख सकते हो जिसमें चर्च स्प्लिट हो गया था, एक्चुअली उसके बाद 30 साल का युद्ध था जर्मनी में, या फिर आप फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ सकते हो, ये भी बहुत दिलचस्प है। और एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी स्प्लिट हो गई थी, एक पार्ट वेस्ट जर्मनी था एक पार्ट ईस्ट जर्मनी था, और 1989 वो दोनों पार्ट्स जुड़ गए थे। अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना ही है तो आप जर्मन सीरीज को भी देख सकते हो। अभी चल रहा है इंडिया में डार्क नाम का सीरीज जिसका रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ एक एपिसोड देख लिया, बहुत डार्क लगता है, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपको बच्चे की सीरीज देखना है तो आप एक बहुत मशहूर सीरीज को देख सकते हो, वो है बीने माया, मतलब मधुमक्खी माया। बच्चों को बहुत पसंद है, सालों से चल रहा है और उसका इंग्लिश वर्जन भी है, यूट्यूब में मिलेगा आपको। और डिसेंडिंग मिटे माउस, मेरे ख्याल से वो आजकल भी चल रहा है, वो यूट्यूब में भी मिलेगा। और आप जरूर डॉक्यूमेंटरीज को भी देख सकते हो। अगर आपको फेरी टेल्स और लेजेंड्स में दिलचस्पी है तो आप निबेलुंगन लीड को देख सकते हो, और डी ब्रूडर ग्रिम, जो सारे वॉल्ट डिज्नी वाले फेरी टेल्स है वो एक्चुअली ब्रूडर ग्रिम के जर्मन फेरी टेल्स है। क्या आपको पता है पार्टी में कूल कैसे लग सकते हैं? अगर आपको गाड़ियों का शौक है तो आप उसके बारे में भी कुछ ढूंढ सकते हो, जैसे BMW, Audi, Mercedes, Porsche, Volkswagen, उनके बहुत लंबा इतिहास है और उनके इंटरनेट पेजेस को देख सकते हो या फिर आप विकिपीडिया में उसके बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट और शेयर्स इन्वेस्टिंग का शौक है तो आप डक्स के कंपनीज को देख सकते हो या फिर MDAX को या फिर TecDAX को। डक्स में सबसे बड़े जर्मन कंपनीज हैं और TecDAX में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जर्मनी में वो इसमें मिलेंगे आपको। अगर साइकोलॉजी और फिलॉसफी का इंटरेस्ट है आपको तो आपको बहुत मशहूर फिलॉसफर्स और साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, जैसे नीचे, कांट, शोपेनहावर, मार्क्स जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट लिखा था, एक्चुअली वो इन्वेंटर था कम्युनिज्म का, और बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट भी है फ्रॉयड, कार्ल गुस्टाफ यंग, एडलर, फ्रैंकल। साइंस और इंजीनियरिंग में आपको भी बहुत कुछ मिलेगा, जैसे हाइजेनबर्ग, आइंस्टाइन, ओम, वर्नर फॉन सीमेंस। पोएट्री और लिटरेचर में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे गोटे, E.T.R. होफमन, बैथोल्ड ब्रेख्त और बहुत सारे और। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप जर्मन खाना भी बना सकते हो, तो आप ट्राई कर सकते हो ब्रोट, जर्मन ब्रेड, या फिर ब्रेसल, सावरक्राउट, कुकन, ब्लैक फॉरेस्ट केक, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, या फिर आप म्यूसली ट्राई कर सकते हो। ये थे 10 टिप्स, और हमारा बोनस टिप है सॉकर। जर्मन का नेशनल टीम बहुत मशहूर है, FC बायर्न म्यूनिशन, वो कुछ दिनों पहले चैंपियंस लीग में दोबारा जीत गए हैं, और बोरुसिया डॉर्टमुंड भी बहुत मशहूर क्लब है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा सीखने में। दिल के साथ सीखोगे तो जर्मन सीखना आपका सबसे पसंदीदा एक्टिविटी बन जाएगी। क्या आपको और मेथड्स पता हैं जिससे आपको जर्मन सीखने का मोटिवेशन मिलता है? अगर ऐसा है तो कमेंट्स में लिखो और हम सबसे शेयर करो, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं नया कॉन्टेंट अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो ज़रूर लाइक करो और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है और इसमें एक ग्रुप है जहां लोग एक दूसरे से जर्मन में चैट करते हैं और जर्मन को प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और मैं आपको मिलता हूँ अगली बार। बाय।